बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान की देवली उनियारा टोंक विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान हुआ बवाल रात भर चला। विधानसभा के राम रावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार नरेश मीणा पुलिस की कस्टडी से बुधवार को फरार हो गया था। वहीं अब आज सुबह मीणा मीडिया के सामने आए हैं। मीणा ने एसडीएम पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण की भी बात कही है।